मैं विनोद चौधरी, VKCMS सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 से जो पहले के एग्जांपल है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो करेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज अपन एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, उसके जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पे आधारित है। तो उससे पहले अपन उस थ्योरम का छोटा सा रूप पढ़ लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम में क्या है कि ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, और वहां पे क्यू और आर यूनिक इंटीजर्स यानी ये अद्वितीय पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान है कि वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी वहां पर आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक को इस रूप में लिख सकते हो ए बराबर बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, और वहां पे जो ये आर है वो शेषफल है, क्यू है वो भागफल है, बी है वो भाजक है, ए है वो भाज्य है। यानी ए है वो डिवाइडेंट है, बी है वो डिविजर, क्यू है क्यूसेंट और आर है वो रिमाइंडर है। तो इस आर यानी शेषफल का जो मान है वो क्या हो सकता है कि आर का जो मान है वो जीरो हो सकता है, यानी जीरो के इक्वल टू लिखा हुआ है। तो जीरो कब होगा, जब भाग पूरा पूरा जाएगा, जब डिवाइड है वो पूरा पूरा होगा। जीरो से ग्रेटर देन यानी भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तब वो जीरो से ग्रेटर देन होगा, और बी से लेस देन यानी बी से छोटा, भाजक से वो छोटा रहेगा, डिविजर से वो लेस देन रहेगा, क्योंकि आप किसी भी संख्या का भाग देते हो शेषफल हमेशा उस संख्या से छोटा ही रहता है। अगर आप बड़ा लेकर आ रहे हो तो वो गलत हो रहा है भाग। तो शेषफल का जो मान है वो जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से हमेशा ही छोटा रहेगा। तो इसी का यूज करते हुए अपन एक्सरसाइज 2.1 के दो तीन के एग्जांपल्स है जो इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसके तीन क्वेश्चन है जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड है और एक दो विविध प्रश्नावली के अंदर है, तो उनको अपन लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन एक्सरसाइज 2.1 का एग्जांपल। तो एग्जांपल फर्स्ट में क्या कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिटन इन ए फॉर्म ऑफ 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 वेयर q इज सम इंटीजर्स। यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक को 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो यहां पे आपको जब 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में व्यक्त करना है तो अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए ये क्वेश्चन करेंगे। तो आप यहां पे सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखोगे, सॉल्यूशन के अंदर लिखोगे आप कि आप ए को, आप यहां पे सबसे पहले ए को इसके अंदर एक पूर्णांक के रूप में मानोगे, इंटीजर्स के रूप में मानोगे। तो आप लिखोगे लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहले आपको यहां पे इस ए को एज्यूम करना पड़ेगा, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी आप इस ए को क्या मान रहे हो, धनात्मक पूर्णांक मान रहे हो। तो आप यहां हिंदी मीडियम में लिख दोगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए को आप धनात्मक पूर्णांक ले रहे हो, क्योंकि जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है वो ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी ये हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर्स पर अप्लाई होती है। तो इसलिए इस ए को अपने को क्या मानना पड़ेगा, धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इस ए को आप पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हो, और जो बी है उसकी वैल्यू क्या होगी, इस बी की वैल्यू यहाँ पे देखिए आप, बी का क्यू से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर आपको प्रूव करने में देखिए आप, ये 3q, ये 3q प्लस 1 आ रहा है, ये 3q प्लस 2 आ रहा है, इसका मतलब 3q प्लस, इसको आप जीरो भी लिख सकते हो। तो ये इस फॉर्म में है, BQ प्लस R के फॉर्म में आपको ये प्रूव करवा रहा है।
यानी बी का मल्टीप्लाई क्यू से हो रहा है, तो क्यू की जगह तो क्यू ही है, तो यहाँ पे थ्री है, ये किसकी जगह पे आ रहा है, बी की जगह पे आ रहा है। तो इन तीनों में जब आपको ये प्रूव करवा रहा है तो इन तीनों में आपको बी की जगह तीन दिया हुआ है, थ्री क्यू है, ये थ्री क्यू है, ये भी थ्री क्यू है। आगे यहाँ पर ये जीरो वन टू ये किसकी वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, तीन लेनी है, तथा बी बराबर तीन। तो कोई भी क्वेश्चन करो तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि जो प्रूव करवा रहा है उसमें ये क्वेश्चन है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, वो तो कोई भी हो सकता है, यहाँ पे टू क्यू आ सकता है, टू क्यू प्लस वन आ सकता है, टू क्यू प्लस टू आ सकता है। तो जो यहाँ पे क्यू का मल्टीपल होगा वो बी की वैल्यू होगी, तो बी का मान यहाँ पे कितना है, तीन है। अब ए और बी पर, क्योंकि ए और बी के ऊपर ही आप सबसे पहले अप्लाई करते हो यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है, तो यहाँ पे आप डिवीजन एल्गोरिथम जो ए और बी पर अप्लाई करोगे तो आप यहां पे लिखोगे देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो ये हिंदी मीडियम वाले लाइन लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। ए बराबर तीन क्यू प्लस आर, देखो ए है वो क्या हो सकता है, तीन क्यू प्लस आर की फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि आप बी का मान यहां पे कितना ले रहे हो, तीन ले रहे हो। अब ऊपर जो अपन ने थ्योरम ये पढ़ी थी, तो आर का मान यहां पे इस बी के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, आर का मान क्या हो सकता है, बी से हमेशा छोटा रहेगा और जीरो से बड़ा और बराबर होगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन में भी आर का मान आप क्या रखोगे, आर का मान आप लोगे वेहर आर की जो वैल्यू है वो जीरो से तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी, तो यहां बी तीन आ रहा है तो इस तीन से तो आर का मान क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि बी की वैल्यू जो आती है उससे हमेशा ही आर है वो लेस देन रहता है, और क्यू इज इंटीजर, क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। तो आर की वैल्यू अगर ये है तो आप इसके अंदर आर की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो, पुटिंग आर इज इक्वल टू जीरो वन टू, थ्री नहीं कर सकते क्योंकि थ्री से तो ये क्या रहेगी, लेस देन रहेगी। तो आर की वैल्यू अगर आप ये पुट करते हो तो ए इज इक्वल टू, इसमें आप पुट करते हो पहला जीरो पुट करते हो तो ए की वैल्यू क्या आ गई है, थ्री क्यू प्लस जीरो आ गई है, कॉमा दूसरी आ गई है ए की वैल्यू है वो थ्री क्यू प्लस, जब वन पुट करते हो तो थ्री क्यू प्लस वन आ गई है, और जब टू पुट करते हो तो ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू, यानी ये ए की जो तीनों वैल्यू आ चुकी है। तो ये जो तीनों वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू ही आपको यहाँ पे क्या करनी है, ये प्रूव करनी है, क्योंकि आपको ये पूछा था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो क्या, तो अपन ने यहाँ पे उसको थ्री क्यू प्लस वन और थ्री क्यू प्लस टू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आप इसको अगेन ऐसा लिख सकते हो, ये ए थ्री क्यू है, ये ए की वैल्यू है, ये थ्री क्यू प्लस वन है, ए की वैल्यू है, थ्री क्यू प्लस टू है। अगेन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस जीरो था उसको यहाँ पे अपन ने हटा दिया, बाकी ये दोनों सेम है। तो आपने इस रूप में इसको व्यक्त कर दिया ये, तो आप यहाँ पे लास्ट लाइन जो है लिख दीजिए कि देयरफॉर, इसलिए एनी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ
थ्री क्यू प्लस वन एंड थ्री क्यू प्लस टू। इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक को तीन क्यू प्लस एक, तीन क्यू प्लस दो के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। ये हिंदी मीडियम में लाइन जो लास्ट वाली लाइन है वो पूरी की पूरी जो क्वेश्चन में पूछी गई थी सिद्ध करना है ये। तो ये का ये सेम आप यहाँ पे लाइन लिख दोगे कि इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक को तीन क्यू प्लस एक, तीन क्यू प्लस दो के रूप में लिखा जा सकता है। आगे एग्जाम्पल आएगा उसमें अपने को पॉजिटिव इंटीजर्स इसी का स्क्वेयर पूछेगा, एक एक्सरसाइज में आएगा उसमें क्यूब पूछेगा। तो स्क्वेयर वाला जो क्वेश्चन है वो 3m 3m प्लस 1 ये आपको प्रूव करवाएगा। तब आपको जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो कौन से लेने हैं, आपको ये ही लेने पड़ेंगे। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन 2 या 4 की फॉर्म में नहीं आ रहा है, 2 या 4 की फॉर्म में आता है तब यहाँ पे आप उसको ये 3q 3q प्लस 1 3q प्लस 2 नहीं मान सकते हो, क्योंकि जो 3 आपको लेकर आना है वो इसी फॉर्म से आएगा। अगर 4 लेकर आना है तो वो 2 की फॉर्म से आएगा। अब 9 आगे एक क्यूब का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब होगा, तो क्यूब वाला क्वेश्चन करेंगे तब ये पढ़ने को यही पॉजिटिव इंटीजर्स वहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो आप वहाँ पे या तो डायरेक्टली लिख दीजिए कि हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक है वो 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, ये लाइन लिख करके और अपने आगे डायरेक्टली उनका स्क्वेयर करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आप ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि क्वेश्चन के अंदर जब वो अम के फॉर्म में मानेगा स्क्वेयर या क्यूब को, तब तो आप उसको क्यू के फॉर्म में एज्यूम कर लेना। अगर वो कहे कि स्क्वेयर या जो क्यूब है वो क्यू की फॉर्म में आ रहा है तो इसको आप अम की फॉर्म में लिख सकते हो, 3m 3m प्लस 1 3m प्लस 2। तो स्क्वेयर या क्यूब ओनली अम की फॉर्म में आए तो इसको क्यू के फॉर्म में मानना है, और क्यू की फॉर्म में आए तो उसको अम की फॉर्म में मानना है। अदरवाइज आए सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आपको प्रूव करना है तो आपको यही रिजल्ट याद रखना है। ये 3q प्लस r में आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे। तो अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड।